नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आइए नजर डालते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों पर। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट अब 20 अप्रैल को करेगा सुनवाई। टीचर्स को फिनलैंड भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। 14 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के संबोधन में बोले पीएम मोदी कि देश में पुनर्जागरण की शुरुआत 2014 में हुई। पीएमएलए कोर्ट निलंबित आईएएस पूजा सिंगल के खिलाफ 10 अप्रैल को आरोप तय करेगी। फेक वीडियो पोस्टिंग केस में मदुरई कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एनएसए भी लगाया गया। कनाडा में एक और हिंदू मंदिर को बनाया गया निशाना। दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। सट्टेबाजी वाले विज्ञापनों को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी। शाहीन बाग का रहने वाला है केरल ट्रेंड अग्निकांड का संदिग्ध सैफी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से हुआ गिरफ्तार। पंजाब किंग्स के हाथ से निकल रहा था मैच, फिर आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन ने यूं पलट दी बाजी। 4 विकेट लेने के बाद नाथन एलिस प्लेयर ऑफ द मैच बने। बिग बॉस हाउस में वीना मलिक और अश्मित पटेल का हुआ इश्क वाला लव। प्यार से जीता फैंस का दिल, फिर कुछ साल बाद टूट गई जोड़ी। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।